हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। एसएसबी पीपीडीटी की स्टोरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमारे जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम स्टडी से रिलेटेड ही वीडियोस पोस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फिफ्थ स्टोरी, क्योंकि पहले से ही हमने फोर स्टोरीज़ अपलोड की हुई हैं, तो आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर। फिफ्थ स्टोरी की बात करें तो पिक्चर आपके सामने ये है। तो पिक्चर में आपको सबसे पहले नोट डाउन करना होता है कि करेक्टर कितने हैं, उनका मूड किस तरह का है एंड एज नियर अबाउट कितनी है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी होती हैं। वहाँ से ही स्टोरी की जो पिक्चर जो सामने दिखाई होगी उसमें से ही आपको थीम देखनी है कि क्या बना सकते हो, एक्शन क्या हो रहा है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी होती है। तो सबसे पहले आते हैं करेक्टर्स की, कितने करेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करेक्टर्स यहाँ पर आपको क्लियर हो रहे हैं। और अगर हम बात करें मूड की, तो मूड इनका हम पॉजिटिव ले सकते हैं, बिकॉज ये कोई कोई भी जब वर्क किया जाता है तो उसमें पॉजिटिविटी होती है और कोई नेगेटिव वर्क नहीं है इसमें, तो मूड हम पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पर। और अगर हम एज की बात करें तो एज आपको सबसे पहले यहाँ पर डिसाइड करना होता है मेन करेक्टर। तो मेन करेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, मेन करेक्टर की अगर हम बात करें तो 8 करेक्टर्स जो हैं उनमें से 7 जो करेक्टर्स हैं उन्होंने इस एरोप्लेन स्ट्रक्चर को उठाया हुआ है। एक जहाँ पर ही मेरा कर्सर है, यहाँ ये वाला जो करेक्टर है, ये पर्सन जो है, इसको आप देख सकते हो कि इसने एरोप्लेन को उठाया नहीं है, ये जस्ट गाइड कर रहा है। तो इसको हम मेन करेक्टर लेकर चलेंगे कि ये जो है हमारा मेन करेक्टर है, इसको एज ए हीरो हम स्टोरी में प्रेफर करेंगे। तो इस मेन करेक्टर की एज की अगर हम बात करें तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बाकियों से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो है थोड़े ओल्ड एज पर्सन लग रहे हैं। तो इसकी हम एज रख सकते हैं कि ये 45 to 50 के बीच में है, एंड बाकी जो पर्सन हैं वो हैं 35 to 40, एंड 30 to 35 रख सकते हैं आप, इसको आप 40 to 45 रख सकते हैं, नॉर्मल एज हो गई है। और यहाँ से अगर हम स्टोरी की बात करें तो नॉर्मली हमें ये लग रहा है कि कोई एरोप्लेन, सबसे पहले अगर हम ये सोचें कि ये एरोप्लेन है और ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो एरोप्लेन को ऊपर की तरफ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मान लेते हैं कि ये क्रैश हुआ था, तो क्रैश हुआ था तो ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ले जाके इसको फेंकेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर पहाड़ी के दूसरी तरफ ही लेकर जाना है तो फिर यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, जहाँ ये कर्सर आप इस टाइम देख सकते हो, यहाँ से पीक नहीं है माउंटेन की, मतलब लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से आसानी से निकला जा सकता था, जबकि ये पीक की तरफ लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एरोप्लेन क्रैश हुआ था और उसको वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि वो उसको ठीक करने ले जा रहे हैं, तो ये हम नहीं बोल सकते यहाँ पर, बिकॉज पीक पर से उसको नहीं लिया जा सकता। बेस्ट पॉइंट ये था जो जहाँ पर कर्सर है वहाँ से ये नहीं लेके जा रहे हैं, तो हमें कुछ और सोचना होगा यहाँ पर। सेकंड थिंग अगर हम थोड़ा देखें तो ये एरोप्लेन लाइक स्ट्रक्चर है, परफेक्ट एरोप्लेन नहीं लग रहा है, यानी कि किसी चीज़ का बनाया हुआ है इस तरह का स्ट्रक्चर, तो हम बस उसी पर स्टोरी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्टोरी बनाई है, आप अपने हिसाब से स्टोरी सोच सकते हो और कमेंट में ज़रूर लिखना। तो जो मैंने स्टोरी बनाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी थोड़ा देखेंगे कि क्या स्टोरी बनाई है। रमन, अ सीनियर इंजीनियर इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन एरोप्लेन डिजाइनिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही ऑलवेज वांटेड टू डिजाइन अ एरोप्लेन विच कैन परफॉर्म टू इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ही ट्राइड इट फॉर 4 or 5 टाइम्स इन हिज कंपनी बट फेल्स, सो ही हैज गिवन लास्ट चांस फॉर दिस प्रोजेक्ट। एट दैट टाइम रमन विद हिज को वर्कर्स मेक सेम एरोप्लेन स्ट्रक्चर विद वुडन पीसेज एंड टेक दैट टू द माउंटेन्स। ही फ्लू इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स एंड रिपीटेड 3 to 4 टाइम। ईच टाइम ही नोट डाउन सम डिटेल्स एंड फाइनली डिजाइन एरोप्लेन विच कैन फुलफिल ऑल हिज डिजायर। दिस डिजाइन वॉज टेस्टेड सक्सेसफुली एंड दिस विल बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट एरोप्लेन। रमन गॉट प्रमोशन फॉर हिज ब्रिलियंट वर्क। ही ऑल्सो गेट अवार्डेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये हमारी स्टोरी है। तो स्टोरी को थोड़ा क्लियर करें, मेरा यहाँ पर थीम क्या है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कोई रमन है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इंजीनियर है और उसका बचपन से शौक था एरोप्लेन्स को डिज़ाइन करना, इसीलिए उसने एरोनॉटिक्स को भी ज्वाइन किया हुआ है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें, इस जो ये रमन है इनको काफ़ी बार मौका दिया गया कंपनी की तरफ से, 4-5 टाइम मौका दिया गया कि आप स्ट्रक्चर जो है जिस तरह का ये चाहते थे कि बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो उस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको काफ़ी मौका दिया गया, लेकिन ईच टाइम वो फेल होते रहे। तो कंपनी ने लास्ट पॉइंट में डिसाइड किया कि आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है,
इस टाइम अगर आप ये कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये प्रोजेक्ट जो है बंद करना होगा, किसी और प्रोजेक्ट पर सोचना होगा, क्योंकि जो एरोप्लेन का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था और वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में काम कर सकता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा था। तो इस बार क्योंकि लास्ट चांस था रमन के पास, तो रमन ने क्या किया कि अपना चांस सीधा ही नहीं गवाया, उन्होंने एक एरोप्लेन स्ट्रक्चर बनाया वुडन पीसेस से और उसको डिफिकल्ट सिचुएशंस में लेकर गए, माउंटेन्स में लेकर गए। वहाँ से उन्होंने, क्योंकि वुडन एरोप्लेन है तो वहाँ से उन्होंने फ्लू किया उसको और चेक किया ईच टाइम, 4-5 टाइम उन्होंने नोट डाउन किया कि क्या हो रहा है इसमें, किस तरह की सिचुएशन से, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनाया तो किस तरह की सिचुएशन में वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, वो उन्होंने नोट किए। और फाइनली उन्होंने एक एरोप्लेन स्ट्रक्चर बनाया लास्ट में, और उसको जब उन्होंने सबमिट करवाया तो वो काफ़ी अच्छा रहा, उसके लिए उनको प्रमोशन भी मिला, अवार्ड भी मिला और इस टाइम वो वर्ल्ड का बेस्ट एरोप्लेन भी है। तो ये हमने लास्ट में अपनी तरफ से पॉजिटिविटी दी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हो। यहाँ पर मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी, बिकॉज अगर हम ये बोलते हैं कि ये एरोप्लेन ही है तो कोई स्टोरी नहीं बन रही है, इजीली नहीं बन रही है। तो हो सकता है कि आपके पास इससे अच्छी स्टोरी हो, तो अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो आप अपनी स्टोरी जरूर लिखिए, कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।